गर्मी का मौसम आते ही पानी की मटके की मांग बढ़ जाती है। लोगों के बीच अब रेफ्रिजरेटर के मुकाबले मटके की लोकप्रियता भी काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि इसके कई फायदे होते हैं। इसमें न सिर्फ पानी ठंडा रहता है, बल्कि मटके का पानी स्वास्थ्य के लिए भी सही माना जाता है। यही नहीं, इसका पानी पीने में अच्छा भी लगता है। लेकिन जो लोग मटके बनाते हैं, उनके सामने एक मुसीबत खड़ी हो रही है। क्या मुसीबत है, जानेंगे इस वीडियो में। राजस्थान के सुजानगढ़ में रेलवे फाटक के पास रहने वाले डूंगर राम कुम्हार का परिवार भी मटकी का कारोबार 5 दशकों से करता चला आ रहा है। मटके के साथ ही वे मिट्टी के दूसरे बर्तन भी बनाते हैं। लेकिन सुजानगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में खुद के बलबूते पर एक छोटा सा उद्यम शुरू करने के बाद डूंगर राम बताते हैं कि मटकी और मिट्टी के बर्तन बनाने के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें लोन नहीं मिल रहा। बैंक ने उन्हें कागजात ना होने की बात कही। इसलिए डूंगर राम कुम्हार ने प्रदेश सरकार के माटी कला बोर्ड से भी ये मांग की कि उनकी सुनवाई हो और राहत पैकेज जारी हो, ताकि उनका काम ठीक से चल सके। डूंगर राम के परिवार में और लोग भी जो हैं, वो मटकी के अलावा गमले वगैरह भी बनाते हैं। मिट्टी से बने ये बर्तन हाथ की कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। एक मटकी बनाने और उसे गढ़ने में समय लगता है। जब बड़ी संख्या में कच्चे मटके बन जाते हैं, तब इन्हें गर्म आग पर पकाकर तैयार किया जाता है और तब एक मटकी शक्ल लेती है। लेकिन बीते कुछ वर्षों से इन कुम्हारों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इनके साथी परिवार की भी ये शिकायत है कि मिट्टी की कमी है। जहां मिट्टी लेने जाते हैं, वहां इन्हें मिट्टी तक नहीं लेने दी जाती। इसलिए डूंगर राम कुम्हार ने सरकार से ये मांग की है कि उन्हें कुछ जगह दी जाए, ताकि वो वहां से मिट्टी लाकर अपना काम चला सकें। मिट्टी के बर्तन बनाना एक ऐसी कला है जिसका वजूद सदियों से बरकरार है। बाजार में मिट्टी के बर्तन 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की कीमत पर बिकते हैं। डूंगर राम का परिवार सबसे ज़्यादा दीपावली के समय व्यस्त रहता है, जब वो दिए बनाते हैं। मटकों के साथ ही मिट्टी अन्य बर्तन सुजानगढ़ के आसपास के इलाकों में बिक्री के लिए लाए जाते हैं। डूंगर राम के परिवार का भरण पोषण इन्हीं मिट्टी के बर्तनों को बेच कर होता है। लिहाजा अब भीषण गर्मी के मौसम आने के बाद सरकार से उनकी मांग है कि उनकी सभी समस्याओं का निराकरण हो। 70 साल से धंधा है, पूर्वज पीढ़ी दर दर करते आ रहे हैं और इस काम को हम जीवित रखे हुए हैं। अभी तक 12 महीने काम करते रहते हैं। जैसे दीपावली पर दीपक बनाते हैं और गर्मियों के टाइम मटकियाँ बनाते हैं, और जैसे जानवरों के लिए पानी वाला कुंडा और बरसात के टाइम में गमले वो वगैरह वगैरह बनाते हैं। इसमें दिक्कत आ रही है, मिट्टी की जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। जहाँ वहाँ से लेकर आते हैं, वहाँ दिक्कत आती है, माटी ले नहीं देते। गौचर भूमि बताते हैं कि यहाँ से आप लेकर नहीं जा सकते। हमारी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।